नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। कटनी पीर बाबा के निवार नदी में एक तेज रफ्तार भाग रही एक बुलेरो पुल से नीचे गिर नदी में जा समाई। बुलेरो में भारत सरकार लिखा हुआ था और बुलेरो के सभी गेट बंद थे। देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बुलेरो में कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। यह नजारा देखने मौके पर लोगों का हुजूम सा लग गया। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंच गई और जेसीबी क्रेन की सहायता से नदी में डूबी बुलेरो को बाहर निकाला, जिसमें कोई नहीं था। साथ ही मौके पर बुलेरो मालिक के पिता भी पहुंच गए, जिन्होंने बताया कि यह बुलेरो रेलवे में लगी हुई थी, इसलिए बुलेरो में भारत सरकार लिखा हुआ है। और यह बुलेरो उनके बेटे रोहित तिवारी की है, जो देवरी ग्राम के रहने वाले है। अभी फिलहाल एमएस कॉलोनी में रहते हैं। बुलेरो मालिक रोहित तिवारी के पिता पप्पू तिवारी ने बताया कि इस बुलेरो को ड्राइवर चला रहा था और इसमें उनका बेटा रोहित और एक और साथी सवार था। लेकिन जैसे ही यह बुलेरो पीर बाबा के निवार नदी के पास पहुंची, बुलेरो अनियंत्रित हो पुल से नीचे नदी में जा गिरी और रात में ही तीनों बुलेरो से बाहर आ गए थे, जिसकी सूचना उन्होंने सुबह पुलिस को दी, जिसके बाद बुलेरो को जेसीबी क्रेन से नदी के बाहर निकाला गया, जिनमें कोई नहीं था। वही इस मामले में माधवनगर थाना झिझरी पुलिस चौकी प्रभारी रश्मि सोनकर ने बताया कि उन्हें इसकी सुबह जैसे ही सूचना मिली, वह अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। बुलेरो को नदी में डूबा देख यह संदेह हुआ कि कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, जिसे तुरंत ही जेसीबी क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया, जिसमें कोई नहीं था। साथ ही बुलेरो मालिक के कहे अनुसार बुलेरो में तीन लोग सवार से जब हादसा हुआ और वह खुद बुलेरो से निकल आए थे और यह गाड़ी रेलवे में लगी हुई थी, जिसकी जांच की जा रही है कि कब तक यह गाड़ी रेलवे में लगी थी। कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कहाँ जा रहे थे? और गांव जा रहे थे देवरी। यहाँ के लोगों, कुछ लोगों का कहना है शराब के नशे में था ड्राइवर और कुछ यहाँ पे पिए के और ऐसी चीजें बता भी रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ड्राइवर तो पीते ही नहीं। अच्छा, जब डूबी तो गाड़ी कैसे निकाले हैं लोग ने, कैसे निकले भैया? रात में हम लोगों को भी क्या है, मैं अभी ड्यूटी में हूँ, रात में मेरे को भी पता चला पुलिस के द्वारा 100 डायल के द्वारा ऐसा ऐसा हो गया, लड़के सुरक्षित हैं। कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? इंस्पेक्टर। गाड़ी का कहना है कि गाड़ी दिवरी गांव जाई थी आपके, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जबलपुर तरफ से कटनी की ओर आ रही थी ये गाड़ी, तभी ये गाड़ी। अब भैया देखिए, मैं ऑन स्पॉट तो था नहीं, मैं तो ड्यूटी पे था, नाइट ड्यूटी पे था। जैसा मैं गाड़ी मालूम है बचा हटी रही, ये लॉकडाउन में हट गई थी, तो उसके बाद भी स्टिकर लगा भारत सरकार का। हाँ, इसको आपने क्यों नहीं मिटवाया? क्योंकि वो सरकारी विभाग में तो उस समय तो रही नहीं, उसके बावजूद नहीं, लॉकडाउन तक भी चली है गाड़ी भी, अब किसी कारण से बीच में खड़ी रह गई तो नहीं मिटा था। क्या नाम है आपका? मिस कुमार तिवारी। गाड़ी है राहुल तिवारी के नाम से, बेटे के नाम से। राहुल तिवारी कहीं काम करते हैं क्या? राहुल तिवारी एमपीवी में है, बिलहरी। अच्छा, तो वहाँ भी चलती थी क्या गाड़ी? नहीं, वहाँ नहीं चलती थी। आपका नाम? उमेश कुमार तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाँव तो मेरा देवरी टोला, मैं एमईएस कॉलोनी में रहता हूँ। मैम, ये जो पीर बाबा निवार नदी में जो गाड़ी गिर गई थी, डूब गई थी, क्या है मामला और कब निकाली गई है गाड़ी? एक्चुअली यहाँ हमें सुबह सूचना मिली है, जनता द्वारा सूचना मिली है, तत्काल ही रवाना हो करके वहाँ पे क्रेन जेसीबी के थ्रू उसको निकलवाया। पहले उसमें चेक करवाया, ऐसा लग रहा था देख करके कि गाड़ी में कोई होना, क्योंकि दरवाजे लॉक थे। जब चेक करवाया तैराक को भेज करके, तो उसमें कोई भी नहीं था। कितने लोग सवार थे उसमें, क्या था और कैसे निकले? अच्छा, उसमें एक ड्राइवर और दो लोग थे, अभी जानकारी नहीं है कौन थे, यही थे। ये गाड़ी कहाँ लगी हुई थी वैसे, संभावना क्या बताई जा रही है, मकान मालिक के द्वारा क्या बताया गया है? गाड़ी रेलवे में लगी हुई थी, टेन्योर इसका कब तक का था ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, गाड़ी राहुल तिवारी के है, देवरी टोला निवास।